सुप्रभात बच्चों, कल मैंने आपको पाठ पढ़ाया था अमराई, आज मैं इसके आगे पढ़ाऊंगी। गुजरात में श्रावण की सप्तमी की रात को घर के निकट ही आम का पौधा लगाया जाता है। मतलब गुजरात में जब श्रावण का महीना आता है तो श्रावण की सप्तमी को रात को घर के पास ही क्या लगाया जाता है, आम का पौधा लगाया जाता है। फिर घर की औरतें उसकी पूजा करती हैं, किसकी, आम के पौधे की। और बच्चों के स्वस्थ रहने का वरदान मांगती हैं। कभी कभी जब गणेश की पूजा होती है तो आम की लकड़ी का स्तंभ गाड़ दिया जाता है। जब गणेश जी की पूजा की जाती है तो आम के पेड़ की लकड़ी का स्तंभ बना करके गाड़ दिया जाता है। अगर तुम उत्तर भारत के किसी भी मैदानी भाग में रहते हो तो अक्सर दूर दूर तक फैले देहातों में घनी अमराइयां देखी होंगी। यदि उत्तर भारत के किसी मैदान में जाते हो तो वहां आपको नजर आएगा दूर दूर तक देहातों में घनी अमराइयां, यानी आम के बगीचे आपको देखने को मिलेंगे। कभी किसी पेड़ के नीचे कुआं और छोटा सा मंदिर भी देखा होगा। यहीं पर थका मांदा किसान दोपहर को बैठकर रोटी खाता है और कुएं का पानी पीता है। यानी जब कहीं आपने देखा होगा पेड़ के नीचे कुआं या छोटा सा मंदिर, यहीं पर जब किसान जो है थक जाता है तो दोपहर को बैठ करके वहीं पर रोटी खाता है और कुएं का पानी पीता है। आजकल तो कुएं में पानी नहीं है, तो लेकिन पहले कुओं में पानी रहता था और कुएं का पानी ही पिया जाता था। अगर तुम जाकर उससे पूछोगे कि यह पेड़ किसने लगाया था तो वह बता नहीं सकेगा। यदि तुम उस किसान से पूछोगे कि यह पेड़ किसने लगाया तो उसको भी पता नहीं रहता, क्योंकि वो बचपन से ही उस पेड़ को देख रहा है। वह छोटा सा था तभी से उस पेड़ को देख रहा है। शायद उसके पिता ने भी अपने बचपन में वह पेड़ देखा था, यानी कितने सालों पहले वो आम का पेड़ लगा हुआ है, तो उसके पिता ने भी बचपन से ही वो पेड़ देखा होगा। कुछ आम के पेड़ बहुत बहुत पुराने हैं, यानी आम के पेड़ कई साल पुराने होते हैं। देखो इस चित्र के माध्यम से, देखो ये पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पर देखो सबके मुंह में कोई आम खा रहे हैं। देखो ये आम की भरे हुए हैं इस टोकरी में और सभी देखो ये आम तोड़ रहा है और यहाँ पर ये पेड़ पर बैठ करके ये देखो ये आम खा रहे हैं। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।